हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपको कंघी स्टैंड बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और आप बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोटे छोटे स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम कंघी स्टैंड बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही इसमें डाल लिया है। तो कंघी स्टैंड बनाने के लिए हमें चाहिए एक कड़ा, एक कड़े की जरूरत पड़ेगी। कड़ा नहीं है तो आप बैंगल, जो वेस्ट बैंगल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट बैंगल का इस्तेमाल किया है। और इस तरह के तार, ये प्लास्टिक वायर है, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है कंघी स्टैंड की, उतनी लंबाई का आप तार को राउंड करके आप रख सकते हो। और इसके बाद हम इतना दूर इसको कवर कर लेंगे। इसको कैसे कवर किया है, मैं इसका वीडियो मैंने पहले कंघी स्टैंड बनाया, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से आप चेक कर सकते हो ये कैसे बनाया। तो अभी मैं इसमें दूसरा डिजाइन बना के आपको बताऊंगी। पहले वाले जो कंघी स्टैंड है उसमें मैंने सिंपल नॉट बना के आपको दिखाया था, इसमें मैं दूसरा डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैं ये डिजाइन बनाना शुरू करती हूँ। तो अभी यहाँ पे हम पहले दो धागा ले लेते हैं। दो धागा लेने के बाद अभी हम चार चार धागा, ये किनारे का चार चार धागा हम निकाल के इसमें हम गांठ लगाएंगे। तो अभी हम चार धागा निकाल देते हैं पहले, और जैसा गांठ इसमें मैं डालूंगी पहले धागे में, सेम टू सेम वही गांठ आपको सभी धागे में डालना है। तो पहले हम चार धागा निकाल देते हैं इस तरह से। अभी इस चार धागे को हमें इस तरह से, जैसे ये हमने नीचे से पकड़ा है, ये देखिए, ये चार धागे को हम ऊपर से पकड़ के रखेंगे। और इसमें ये जो हमारा ये दो धागा है, उसमें हम ये नीचे से ऊपर की तरफ हम धागे को निकालेंगे और इसको इस तरह से टाइट से हम इसमें बांध देंगे, ये इस तरह से आएगा। अभी सेम हम और चार धागा नेक्स्ट अभी लेंगे। अब ये चार धागा लिया है, और ये जो दो जो धागा है इसको हम हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे, और इसको हम ये धागे के ऊपर से, ये जो हमारा ये, इसको ऊपर में रखेंगे और फिर ये नीचे से हम इस धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। फिर ये चार धागा नेक्स्ट लिया, फिर हम इसको सेम उसी तरह से ये ऊपर से, ये नीचे से, ये ऊपर की तरफ हम इसको निकालेंगे। जो हमारा ये धागा है, जो हमारा ये दो धागा हमने लिया है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इन सभी धागे को ऊपर से हम नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो इसी तरह से सभी को हम कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, और ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये इस तरह से, ये लाइन की तरह से आएगा आपका, ये इस तरह से लाइन की तरह आएगा। मैं आपको दो तीन और लाइन राउंड करके दिखाती हूँ कि कैसे दिखेगा। आपको जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही लेना है। दो धागा पे आप या तो चार धागा ले सकते हो, नहीं तो दो धागा भी ले सकते हो, दो धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि चार धागा ही लेना है,
आप अपने हिसाब से दो धागा भी ले सकते हो अगर आपको पतला बनाना है तो। और जो हमने ये ऊपर वाला धागा लिया है, अभी हमने जो इसे बनाया है, इसी से हम इस पे राउंड करेंगे। तो इसी धागे पे ये जो हमने आ रहा, जो अभी चार चार धागा लेकर हमने बनाया, उसी को सेम टू सेम उसी तरह से हम राउंड करेंगे। अगर आप लेफ्ट की तरफ से कर रहे हो तो आप जैसे मैंने बताया उस तरह से करना, और राइट की तरफ से कर रहे हो तो जैसे बताया वैसे करना, लेकिन राइट की तरफ से जाएगा वो। ये हमारा अभी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और दूसरा आप इधर से भी कर सकते हो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो सेम अभी है, फिर से हमको जैसे हमने ये दो धागा पकड़ा है इसको पकड़ के, और जो हमने पहले ये चार धागा देखिए हमने डाला है, उसी को हम इसके ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। सेम हम नेक्स्ट वाला फिर चार धागा लेंगे, उसको भी हम ऊपर से, ये जो हमारा दो धागा है उसको हम नीचे रखेंगे, और इसको जो चार धागा है उसको ऊपर से हम नीचे के ऊपर की तरफ निकालेंगे। अभी नेक्स्ट फिर हम चार धागा लेंगे, ये आपका चार धागा जो हमने पहले ही लिया है वही चार धागा हमको लेना है। अभी इसी चार धागे से फिर हम ये धागे को नीचे की तरफ से ही हम लेंगे इस धागे को, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम नीचे से ये ऊपर की तरफ, आपका ये इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये गांठ जो बन रहा है आपको दिख रहा होगा, सेम इस तरह से ये गांठ आएगा। तो मैं आपको ये इधर यहाँ से लेकर के कंप्लीट करके बनाती, और इसको तब तक कंप्लीट करना है जब तक ये आपका जो ये दो धागा है यहाँ थोड़ा एंड में थोड़ा सा बचे, तब तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं आधा आप कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये फ्लावर दिखेगा, फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगी। तो पहले हम इसको आधा मैं आपको बना के आपको दिखा देती हूँ कैसे दिखेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने आधा इसको बनाया है, आपका इस तरह से फूल आएगा, ये आप देख सकते हो इस तरह से आपका फूल आएगा इसमें। तो वो आप इस तरह से आप बना सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि आप अकेले हो तो आप अकेले में नहीं बना सकते हो, आप अकेले में भी इसको बना सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। आपको जो आपका रिंग है उसको इस तरह से रखना है, इस तरह से रखने के बाद जो हमारा ये दो जो धागा लिया था जिसमें हमने सबको बांधा है उसको हम पकड़ लेंगे। उसको पकड़ने के बाद हम चार चार धागा ले लेंगे इस तरह से, ये चार धागा हमने लिया। फिर चार धागा लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से ये ऊपर से हम इसको अंदर की तरफ से निकाल लेंगे, ये इस तरह से हमने चार को निकाला। फिर नेक्स्ट चार हम लेंगे, इसको हम इसे उसी तरह से हम निकाल लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। फिर नेक्स्ट हम लेंगे, फिर इसको इस तरह से ऊपर पे रखेंगे और ये नीचे की तरफ से हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हम पूरा हम करते जाएंगे, और एंड में जो हमारा ये धागा है, दो जो धागा है हमारा, वो एंड में हम अब एक हाथ नाप लेते हैं, ये जो हमारा एक बित्ता होता है उस बित्ते से एक बित्ते की लंबाई छोड़ करके, इतना इतना छोड़ करके पूरा हम इतने में फिनिश करेंगे। इतना हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में ये इस तरह से ये देखिए लगाया है, तो हम इसको बना के हम यहाँ पे इसके अंदर ये गांठ पूरा फोल्ड करके हम गांठ लगा देंगे ताकि हमारा ये खुले ना इसके, और उसको चिपका देंगे इसीलिए, ताकि ये जो हमने बनाया है फ्लावर, जो हमारा ये गांठ है वो हमारा खुले ना। तो इसी तरह से जब हमारा एक हाथ का बचेगा तब हम स्टॉप कर देंगे उसको बनाने के लिए, और मैं आपको बताऊंगी कि उस क्या करना है। तब तक हम ये पूरा ये जो यहाँ से लेकर के जितना इतना तक आएगा उतना हम पूरा फ्लावर बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा हो चुका है, इतना ही हमारा अब ये बनेगा, ये हो चुका है हमारा पूरा। अभी अगर आप चाहते हो तो इसको आगे बना सकते हो, नहीं तो इतना ही ये बनेगा। इसको थोड़ा टाइट करके हम इसको पीछे की तरफ हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फोल्ड किया है वैसे हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो इसको टाइट से हम इस तरह से खींच लेंगे, टाइट से खींचने के बाद हम इसको इस तरह से ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से गोल गोल घुमा के हम इसको इसमें लगा लेंगे। अभी इसको यहाँ पे चिपका देंगे, तो हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया। अभी फिर इसको स्ट्रेट करके ये देखिए इस तरह से, अभी इसको हम यहाँ पे जैसे हमने इतना यहाँ पे ऊपर में डाला है सेम टू सेम यहाँ पे भी डालेंगे। तो यहाँ से इसी से हम दो धागा निकाल लेते हैं, ये देखिए ये वाला जो धागा है हम दो धागा हम ले लेंगे इधर का, इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे।
इसको करने के बाद अभी हम यहाँ पे इसको सेम जैसे यहाँ पे हमने बनाया यहाँ पे भी हम वैसे बनाएंगे। तो इसको हम इस तरफ से, ये देखिए, आप किसी भी तरफ से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरह से आपको डाल सकते हो। थोड़ा टाइट से हम डालेंगे। अभी हम इसको स्टिक कर लेंगे, तो यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे इसको। तो ये हमारा हो चुका है और अभी इसको हम, मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ कैसे खोलना है। सेम टू सेम उसी तरह से आपको सभी को खोलना है। तो ये हमारा बन चुका है, बस इसको कवर करना है। तो इसको मैं एक को खोलने के लिए बता देती हूँ कैसे खोलना है। तो सेम टू सेम वैसे ही आप उसको खोल सकते हो। तो इस जैसे ये है हमारा, एक में हमारा ये तीन निकलेगा, ये देखिए। तीन निकलने के बाद हम इसमें से एक ये ले लेंगे। इसको हम फिर अपने नाखून की मदद से इसे आप आगे की तरफ, अब जब खींचेगा फिर ये देखिए, और इसमें से चार निकल रहा है छोटा छोटा। तो इसको भी हम खोल लेंगे इस तरह से। तो आप जैसे देख सकते हो, ये देखिए, मैंने एक में से तीन निकाला, तीन में से चार चार निकलता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा खुल के बाहर आएगा और इसको आप कवर कर सकते हो। मैंने इसको कवर करने के लिए बहुत सारे मैक्रम में और बहुत और कंघी स्टैंड में भी मैंने आपको इसको कवर करने के लिए बताया। तो मैं एक कंघी स्टैंड का लिंक और एक मैक्रम का लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मैंने मैक्रम में बताया, तो मैक्रम का डिज़ाइन आप इस तार में भी आप बना सकते हो। तो ये हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको खोल के भी पूरा हम पहले रख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमने पूरा खोल लिया है। ये देखिए, ये खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपका नज़र आएगा। ये पूरा खोल दिया है मैंने और ये बन चुका है। और इसमें हम कंघी, जो भी आपका क्लिप, जो भी आपको इसमें स्टैंड करना है वो आप इसमें लगा सकते हो इस तरह से। तो आप देख सकते हो, ये हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसको बस वो सिंपल में ही इसको कवर कर लिया है। ये कवर हो चुका है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कैसे कवर किया है। और मैंने बहुत सारे मैक्रम से मैंने इसको कवर किया है, तो आप मैक्रम का डिज़ाइन भी इस तार से आप कवर कर सकते हो। ये देखिए, हमारा बनके तैयार हो चुका है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रख करके आप इसको कट कर सकते हो, नहीं तो इतनी लंबाई है तो इतनी लंबाई भी आप इसे रख सकते हो। तो ये हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।